श्री राम। आज 12 मार्च 10th आरबीएससी का हिंदी का पेपर था। पेपर का सॉल्यूशन एक नज़र। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ब ईया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए रमेश। थर्ड का आंसर था ऑप्शन ब सूर्यकांत त्रिपाठी। फोर्थ का आंसर था द अवधि। फिफ्थ का आंसर था अ उद्धव। सिक्स का आंसर था ऑप्शन ए बिहार। सेवन्थ का आंसर था ए चश्मे वाला। एट्थ का आंसर था अ यशपाल। नाइन्थ का था स रेखाचित्र। टेंथ का था ब सभ्यता। इलेवेंथ का आंसर था स इज्जत का। ट्वेल्थ का आंसर था ब देहाती दुनिया। सेकंड क्वेश्चन था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें फर्स्ट वाले का आंसर था अ भाववाचक। सेकंड का आंसर था विशेषण। थर्ड का आंसर था अकर्मक। फोर्थ का आंसर था अव्यय। फिफ्थ का आंसर था अंत। सिक्स का आंसर था चार। थर्ड क्वेश्चन अपठित गद्यांश के रूप में था, जिसमें फर्स्ट वाला था प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका उचित शीर्षक होता था राष्ट्रभक्ति। सेकंड क्वेश्चन था वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है, तो इसका आंसर सेकंड लाइन में ही था, अपने आप में शक्ति में विश्वास करते हो ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड था राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है, तो इसका आंसर थर्ड लाइन से स्टार्ट होता था सेवा को अपनाकर गरीबों भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन विवेकानंद के उपदेश का ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका आंसर लास्ट लाइन में था उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सिक्स क्वेश्चन आस्तिक का विपरीतार्थक था नास्तिक। क्वेश्चन नंबर चार भी अपठित गद्यांश का ही एक था, जिसमें अपठित पद्यांश था। आपके एक नंबर का आंसर था मानव जब जोड़ लगाता है, ये इसका शीर्षक, या शीर्षक बच्चे अपने मन से और भी कोई दूसरा इसका सोच सकते थे। सेकंड नंबर वाले का आंसर होगा विघ्न। थर्ड है पत्थर कब पानी बन जाता है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न ऐड करके आप लिख सकते थे जब मानव जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। रोशनी किसे नहीं मिलती, क्वेश्चन पैटर्न टैग करके आप लिख सकते थे जो बत्ती नहीं जलाता है उसे रोशनी नहीं मिलती है। फिफ्थ नंबर पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं, तो पर्वत के पांव तब उखड़ जाते हैं जब नर खम ठोक ठेलता है। सिक्स नंबर का आंसर मेहंदी के बीच क्या छिपी है, तो लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन किताब के अकॉर्डिंग था थ्योरिटिकल पार्ट, जिसमें आपको प्रश्न उत्तर सोल्व करने थे आपकी क्षितिज की बुक के, कृतिका की बुक के हिसाब से। लेकिन 11वां क्वेश्चन था नमक मिर्च लगाना, इसका था आपके बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना, वाक्य में प्रयोग भी इसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते थे। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पठित गद्यांश था, जिसमें फर्स्ट था आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी, तो इसका आंसर था पेट की ज्वाला की। सेकंड था शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार का कारण बनी, तो सुई धागा आंसर होगा। खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती, तो इसका आंसर आपके इस लाइन में था क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। लास्ट इसका वास्तव में संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता, तो आंसर था निठल्ला नहीं बैठ सकता। अथवा वाले के बाद नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन था पद्यांश, इसमें भी दो अथवा में थे, आप कोई सा भी एक चूज कर सकते थे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है, तो आंसर होगा गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। सेकंड उसे बड़भागी क्यों कहा है, आंसर बनेगा क्योंकि वह उनके, या उनके से मीन्स है श्री कृष्ण के, क्योंकि वह श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम रूपी बंधन या प्रेम रूपी धागे से उनसे बंधा नहीं, इसीलिए उसे बड़भागी कहा है। इसमें याद रखें आपको क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आंसर देना होता है, ना कि एज इट इज पद्यांश की लाइन लिखनी होती है। पूरी इन पात इसका मीन्स होता है कमल का पत्ता, यहाँ कमल होगा। तेल की गागरी पानी में डूबोने पर क्या होता है, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, दूसरा इसके अथवा में था। फिर क्वेश्चन आंसर वाला पैटर्न है पूरा। और अब इसमें आपके निबंध था, निबंध चार वही आए, हमने कल टॉप 5 नमो अकेडमी में सबको करवाए थे, उनमें से चार एज इट इज यहाँ पे छप के आ गए। इनमें पत्थर ज़्यादा इजी था, लास्ट क्वेश्चन विज्ञापन का था। इस प्रकार बहुत बढ़िया पेपर हुआ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।